हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम टू मॉम्स मैजिक। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत कम सामान के साथ एक स्वीट डिश लेकर आई हूं, जो सामान तो बहुत कम लगता है पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए रहेगा। तो आज जो मैं स्वीट डिश बना रही हूँ वो रहेगा कच्चे केले का। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कच्चा केला, साथ ही लिया है मैंने चीनी 1 कटोरी, इसके साथ लिया है छोटी इलायची, बादाम, काजू और ये है किशमिश। इसके साथ मैंने लिया है मिल्क पाउडर 1 छोटी कटोरी, मीन्स 1 बड़ा चम्मच। तो इन सब के साथ ही एक स्वीट डिश बनने वाला है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इन केलों को छील लेती हूँ। तो मैंने केलों को छील करके साफ कर लिया है और इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ। 1/2 कप पानी डालूंगी और इसको 1 से 2 सीटी होने तक इसे मैं पका लेती हूँ। इसमें 2 सीटी भी लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका मैं भूनना ही है। तो मैं 2 सीटी होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो केले को मैंने उबाल लिया है, इसमें 2 सीटी पूरी तरह से लग गए थे। फिर मैंने इसे ठंडे करके खोल लिया है और अभी इसको हम मैश देते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आपको जैसा खाने में चलता है। तो उसमें ये जो मैंने मैश किया है केलों को, उन्हें डाल दे रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल सीम रखें और इनको भी हमें इसमें भुनना है। तो 4 से 5 मिनट हमें इसमें भुनना पड़ेगा इसे, ताकि अच्छे से भुन जाए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे लगातार चलाते हुए। ये देखिए पूरी तरह से ड्राई हो गया है भूनते भूनते। अभी मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। तो चीनी भी अभी फिर से पानी छोड़ने वाला है, तो जब तक पूरी तरह वापस ये ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है और इसके साथ ही मैं डाल दे रही हूँ ये मिल्क पाउडर 1 चम्मच। ये देखिए चीनी हमारा पूरी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फूड कलर। तो मेरे पास ग्रीन कलर का फूड कलर है, तो आपके पास जो भी फूड कलर हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 बूंद लगेंगे ये और ये देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया इसमें। तो गैस इसके साथ ही मैं बंद कर दे रही हूँ। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें डाल दे रही हूँ मैं जो मैंने बताया था ड्राई फ्रूट्स। तो ये है काजू, बादाम, इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया है। किशमिश है और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इसको भी मैंने बारीक पूरा क्रश कर दिया है। तो इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। तो मैंने एक स्टील का बर्तन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ग्रीस कर दे रही हूँ घी को और फिर सारा बैटर जो है सो इसमें मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह मैंने पूरा इसको फैला दिया है 1 साइज का। और अभी इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कट किए हैं जो इसके ऊपर बिछा दे रही हूँ। इन सबको थोड़ा हल्के हाथों से दबा दे ताकि सेट हो जाए। और अभी 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज में रख दे रही हूँ सेट होने के लिए, फिर इसका हम मनचाहा आकार से कट कर सकते हैं। तो 1 घंटे बाद इसे हमें निकालेंगे। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है फ्रीज में रखे हुए। अभी मैं इसका शेप दे दे रही हूँ। तो मैं नॉर्मल ही काट रही हूँ। तो ये इतना अच्छा देखने में लग रहा है मिठाई और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। अगर आप अपने गेस्ट को देते भी हैं इसे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये कच्चे केले से बना हुआ ये मिठाई है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, इसको आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मिठाई। तो
तो आप सब इसको जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।